बुधवार को भारतीय साधारण बीमा निगम की चारों अनुषंगी बीमा कंपनी ओरिएंटल नेशनल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने सूचना केंद्र के बाहर नेशनल इंश्योरेंस के मंडली कार्यालय भिलवाड़ा पर संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में केंद्र सरकार की निजीकरण एवं कर्मचारी विरोधी दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा जो साधारण बीमा निगम का निजीकरण किया जा रहा है वह देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। सभी कर्मचारियों वे अधिकारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें लोकसभा में पारित 2021 निजीकरण बिल को वापस लेने की जोरदार मांग की गई। साथ ही अगस्त 2017 से लंबित वेतनमान समझौता तुरंत लागू करके कर्मचारियों को बकाया भुगतान कर शीघ्र राहत प्रदान करने की मांग की। साधारण बीमा निगम के सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने कोरोना समय में जनता एवं देश हित में कार्य करके अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। विरोध प्रदर्शन में गिरधारी लाल बलाई, मान सिंह चौहान, हरिकिशन सिंधी, अशोक चौहान, गोपाल लाल परेवा, कैलाश सूत्रकार, रमेशन खटीक, हेमंत गोलेचा, कैलाश चौहान, शिव सिंह मीणा, के एम डागा आदि ने भाग लिया। बुधवार को देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में सभी चारों बीमा कंपनियां बंद रही। आज हम जनरल इंश्योरेंस की सभी कंपनियों के बैनर तले ज्वाइंट फोरम ट्रेड यूनियन का जो निर्माण करके हम संयुक्त मोर्चे के रूप में इकट्ठे हुए हैं, उसके चारों कंपनी के चारों कर्मचारी में इकट्ठे हुए हैं। इसका हम प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट कर रही है, केंद्र सरकार लोकसभा में पास किया बिल, उसका विरोध करते हैं। प्राइवेटाइजेशन हमारी सरकारी कंपनी का हो जाने से रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और विदेशी कंपनी सभी कंपनियों पर कब्जा कर लेगी और यह प्राइवेट सेठों के बोर्ड लग जाएंगे टाटा बिरला के, जो जनता को सेवा नहीं देंगे, सामाजिक सुरक्षा में कुछ काम भी नहीं कर सकेंगे। हम जनता को अच्छी सेवाएं देते हैं और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कर्मचारियों का हित बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उनकी तनख्वाहें बहुत कम हो जाएगी और उनको पेंशन भी मिलने में दिक्कत होगी और हमारा वेज डिवीजन भी लागू होना 4 साल से पेंडिंग है, वो भी नहीं हुआ है, उसको भी लागू कराना चाहते हैं। हमारी आज की चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली हड़ताल में शामिल होने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करते हैं। देश की नीतियों का विरोध करते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन एक्चुअल में नेशनलाइजेशन जब किया था 1972 में गवर्नमेंट ने, उसका मूल उद्देश्य यही था कि आम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बहुत चारों तरफ चार कंपनियाँ बनाई थी, चारों कंपनियों का हेड ऑफिस चारों देश के कोने में किया था ताकि ये व्यवस्था बैठाई कि चारों कंपनियों को पूरे देश में चारों तरफ बिखरी हुई पब्लिक को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब आज इसी को केंद्र सरकार अपनी नीतियों के तहत इसको उलट करना चाह रही है, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, जिसके खिलाफ हम पूरे हैं। सारी पब्लिक को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, आम जनता को भी इसका नुकसान होने वाला है, कर्मचारियों को अधिकारियों को तो नुकसान हो ही रहा है और सारी पब्लिक को भी इसका नुकसान होगा। निश्चित तौर पर इसका असर दूरव्यापी असर होने वाला है और वेज रिवीजन भी हमारा 4 साल से। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज कर्मचारी और अधिकारी सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये जो 2 दिन पहले लोकसभा में प्राइवेटाइजेशन के लिए बिल पास हुआ है, इसका विरोध कर रहे हैं हम सब लोग, क्योंकि ना तो इसमें देश के लोगों की हितों की रक्षा होगी, ना कर्मचारियों की और अधिकारी लोगों की हितों की रक्षा होगी। ये इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है।